अस्सलाम वालेकुम देसी टीवी यूएसए तो मैं हनिमरा मलिक। एक नजर आज दी ताजा तरीन पंजाबी खबरां दे। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने जिला दे नाल तातुल दा खात्मा करदे होए पेरी एलिफेंट दे एजाज विच कांग्रेस दे मुजस्मे दी तकरीरी दी तकरीब दी मेजबानी कीती। This and now we're going to have another photograph of any of us who wants to come up just to associate ourselves with this important day in a way that is so beautiful that I do believe Pierre Pompon would approve. Ukraini bashande sarhad abur karke Poland vich dakhil ho gaye. Rus di taraf to Ukraine te mukammal hamla karan to baad Ukraini bashande sarhad abur karke Poland vich dakhil ho rahe ne. रूस का 60 किलोमीटर तवील फौजी काफला कैफ की जानिब जा रहा है। यूक्रेनी रहनुमावां का कहना है कि रूसी फौज का तकरीबन 60 किलोमीटर तवील काफला दारुल हुकूमत कैफ की जानिब जा रहा है। हालांकि तीन वड्डे शहर कैफ खारकैफ ते चेरनैफ हुण तक यूक्रेन के कब्जे च ने। सैटेलाइट तस्वीर तो पता लगता है कि रूसी फौज का तकरीबन 60 किलोमीटर तवील एक वड्डा काफला यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ की जानिब पेशकदमी कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीर फराम करने वाली अमरीकी कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज की तरफ तो जारी करदा तस्वीर में वेख्या जा सकता के रूसी फौज का 60 किलोमीटर तो ज्यादा तवील एक काफला कैफ दी जानिब जा रहा है। इब्तदा विच कंपनी ने कहा सी के काफला 27 किलोमीटर तक फैलिया हुआ है, लेकिन यह इत्तला गलत साबित हुई। मैक्सार के मुताबिक दरअसल यह काफला 60 किलोमीटर तो ज्यादा तवील है। वस्ती कैफ दी सड़कां तकरीबन वीरान पईआं ने ते रिहायशियां नूं पनाहगाहां विच रहण दा हुक्म दित्ता गया है। यूक्रेन दे दारुल हुकूमत इक बख्तरबंद कालम मेलां तवील असर तक नाल ही रूस ने कैफ दे बशंदियां नूं खबरदार कीता कि ओह अपने घरां तों नस जाण। अफ्रीकी यूनियन ने कहा है कि वह इन खबरों तो परेशान ने कि अफ्रीकियों नु सरहद पार करने का हक तो इनकार किया जा रहा है, क्योंकि वह यूक्रेन के तनाजे तो फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। स्विफ्ट का कहना है कि रूसी बैंकों के नाम मुनकता होने का इंतजार कर रहा है। स्विफ्ट ने मंगल के रोज कहा कि वह यह वेखण का इंतजार कर रहे हैं कि किन्ना बैंकों के हुकाम इस दे आलमी मालियाती पैगाम रसाई के निजाम तो मुनकता होना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन से रूस के हमले का जवाब में पाबंदियां लाई गई ने। यूरोपीय यूनियन रियासत मुतहदा फ्रांस जर्मनी इटली कैनेडा और बरतानिया ने हफ्ते के रोज इस गल यकीनी बनाने के इतफाक किया कि मुंतखब रूसी बैंकों को स्विफ्ट तो हटा दिया जाए ताकि आलमी सतह से काम करने की इन्हों की सलाहियत नुकसान न हो। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम बिला सूद कर्जे का इजरा का आगाज कल होएगा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जे का इजरा का आगाज कल होएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में मुनक़िद की जाएगी। इस सिलसिले में ज़राए के हवाले तो तयशुदा शेड्यूल के तहत इसी मुद्दत में हुकूमत 56 अरब रुपए की सबसिडी फराहम करेगी। वीना मलिक के बच्चों तो मुतलिक केस रावलपिंडी तो कराची मुंतकिल। सुप्रीम कोर्ट ने अदाकारा वीना मलिक के बच्चों का केस रावलपिंडी तो कराची मुंतकिल कर दिता। जस्टिस मजहर आलिम मियाँ खैल की सरपराही विच दो रुकनी बेंच ने अदाकारा वीना मलिक के बच्चों की हवालगी का केस कराची मुंतकिल करने की दरख्वास्त समाप्त की। मुखालिफ फरीक दे वकील ने कहा कि वीना मलिक आपे रावलपिंडी दी रिहायशी है ते केस कराची मुंतकिल ना किया जावे। रावलपिंडी अदालत विच मेरे मौकल ते हमला किया गया। कराची विच ते इस तो भी हालात खराब ने। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिते कि इसका मतलब है कि फिर कराची दी तमाम अदालतां नूं बंद कर देन। कानून वाज़ेह है जिथे औरत रिहायश पजीर होवे उथे ही केस लाया जाए। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਬਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.desitvusa.com। ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਟ੍ਰੀ ਤੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਾਮਹਦੂਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।